Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you all a topic which I have been never touched before. Only a few videos of statistics in education. So first of all, I would like to start with the term statistics, the basic of statistics, and then gradually I will cover more and more topics under statistics in education. Okay, so the lecture will be useful for all of us. So first of all, definition, paribhasha. देखिए, सांख्यिकी की बात करने जा रहे हैं हम लोग. सांख्यिकी देखिए, हम लोग education में पढ़ते हैं, मतलब psychology के बच्चे पढ़ते हैं, sociology में भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, है ना, मैनेजमेंट में पढ़ते हैं. क्यों पढ़ते हैं सारे विषयों में? इसलिए कि सांख्यिकी है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों को अच्छी तरीके से मैनेज करके एनालाइज करने का एक तरीका है ना. स्टूडेंट्स जनरली मतलब सोचते हैं कि सांख्यिकी का मतलब कि बहुत भारी मैथ्स उनके सामने आने वाली है. ऐसा नहीं है. सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों को व्यवस्थित करने का तरीका सांख्यिकी है, अगर एकदम सिंप्लीफाइड तरीके में सोचे. और थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन इसमें लगते हैं, क्योंकि आंकड़े आप व्यवस्थित कर रहे हैं तो कहीं जोड़ेंगे, कहीं गुणा करेंगे, कहीं भाग करेंगे, कहीं घटाएंगे, कहीं वर्ग लेंगे, कहीं वर्गमूल निकालेंगे, बस इतना ही है. तो इससे घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है. बहुत आप समझ जाएंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, रोचक लगेगा. और चूंकि न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल स्टैटिस्टिक्स पर पूछे जाते हैं, तो आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आपने सही किया है तो. ठीक है, तो एक बेसिक बात स्टैटिस्टिक्स पे करेंगे, फिर धीरे धीरे स्टैटिस्टिक्स पर आधारित हम टॉपिक्स कवर करते जाएंगे. बहुत बड़ा है ये स्कोप, बहुत ज्यादा है इसका, बहुत 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 सारे टॉपिक्स इसके अंतर्गत है और बहुत पूछे जाते हैं, तो थोड़ा समय लगेगा. फिलहाल शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स पे. तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात देखें, अच्छा वो वाली स्लाइड इसमें रह गई, कोई बात नहीं. तो ए एल बोगले की अगर हम डेफिनेशन देखें, तो वो कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स पे बी कॉल्ड एज द साइंस ऑफ काउंटिंग. कितनी सिंपलिस्टिक डेफिनेशन है, कितनी साधारण. वो कह रहे हैं कि सांख्यिकी क्या है, ये कुछ और नहीं है, सिर्फ गणना करने का विज्ञान है. इन अनदर डेफिनेशन ही डिस्क्राइब्स इट एज स्टैटिस्टिक्स मे राइटली बी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेजेस. फिर और बहुत सारी उन्होंने डेफिनेशन दी है, मतलब दो चार दी है. उसमें दूसरी परिभाषा में ये कहते हैं कि सांख्यिकी क्या है, आप कह सकते हैं कि औसतों का विज्ञान है. यानी कि हम हर चीज का औसत निकाल लेते हैं, औसत से बात करते हैं, हम किसी भी इंडिविजुअल की बात नहीं करते. फिर सेलिगमैन डिफाइन करते हैं स्टैटिस्टिक्स को. स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, कंपेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा कलेक्टेड टू थ्रो सम लाइट ऑन एनी स्फीयर ऑफ इंक्वायरी. वो कह रहे हैं कि आप कुछ जांच करने गए हैं, तो उस जांच के जो रिजल्ट है उस पर प्रकाश डालने के लिए हम क्या करते हैं, आंकड़ों को संग्रह करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं, उसकी तुलना करते हैं और उसका अर्थ निकालते हैं जब न्यूमेरिकल डेटा का. इसी विज्ञान को सांख्यिकी कहा जाता है. इन्हीं तरीकों को तो डेटा, डेटा का कलेक्शन, उसका क्लासिफिकेशन, उसका प्रेजेंटेशन, उसका कंपैरिजन और उसका इंटरप्रिटेशन, यही आप कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स है. फिर हम एकदम बेसिक से चलेंगे. हम ये बात नहीं कर रहे हैं आपसे कि स्टैटिस्टिक्स का एजुकेशन में क्या यूज है, इसके कुछ क्या प्लस पॉइंट्स है, क्या माइनस पॉइंट्स है, वो नहीं. सिर्फ बेसिक चलिए. आप जान नहीं रहेंगे क्या प्लस पॉइंट है. प्लस पॉइंट ये है कि आप अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, आपको सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से भी आप समझ सकते हैं कि ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है. और दिक्कतें क्या है, दिक्कतें ये है कि आप इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ एवरेज की बात करेंगे, एक्सट्रीम जो डेटा है उसकी बात नहीं करेंगे. तो इन सब पर हम नहीं जा रहे हैं, हम उस पर जा रहे हैं जिस पर से आधारित आपसे आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं और जिनसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे. तो हम देखें तो बहुत तरीके से आप इसको डिफाइन क्लासिफाई कर सकते हैं, पर हमें सिर्फ दो तरीके लिए, एक तो कार्य के आधार पर और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा के आधार पर, यानी कि आंकड़ों के वर्गीकरण वितरण के आधार पर. तो कार्य के आधार पर अगर हम देखें तो स्टैटिस्टिक्स तीन तरीके की है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. अच्छा बच्चे अक्सर इसको स्टैटिक्स बोल देते हैं ना, आपको स्टैटिक नहीं बोलना है. स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर चीज, स्थैतिकी बोलते हैं उसको फिजिक्स में, उसका उल्टा डायनेमिक्स होता है जिसको गतिकी बोलते हैं. तो आप स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, सही बोलेंगे, सही लिखेंगे, गलत नहीं करेंगे. तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब वर्णनात्मक सांख्यिकी, कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक्स का मतलब सहसंबंधात्मक सांख्यिकी और
इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स का मतलब आप कह सकते हैं अनुमानिक सांख्यिकी। इन्फरेंस निकालना मतलब अनुमान से बताना, कोरिलेशन बताना सहसंबंध बताना, डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्रिप्शन करना। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या आएगा, द ब्रांच विच डील्स विद द डिस्क्रिप्शंस ऑफ ऑब्टेन्ड डेटा इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। यानी सांख्यिकी वो शाखा जो जो आपने आंकड़े एकत्रित किए हैं उनसे डिस्क्रिप्शन बताती है, वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आ गई। द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड क्लासिफिकेशन, टेब्यूलेशन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड वैलिडिटी। यानी कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे आपसे, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे क्या होती है, मीन, मीडियन, मोड, बहुत पॉपुलर है, बहुत पूछा जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में यही आएगा, क्या आएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे और जो आपका वैधता का कंसेप्ट है उसका क्लासिफिकेशन, टेब्यूलेशन एटसेट्रा। फिर कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक्स क्या है, द ऑब्टेन्ड डेटा आर डिस्क्लोज्ड फॉर देयर इंटर कोरिलेशंस इन दिस टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। वो कह रहे हैं कि जो आपने आंकड़े एकत्रित किए हैं उनसे अगर आप इंटर कोरिलेशन बताएं कि क्या सहसंबंध है उन आंकड़ों के बीच में, तो वो स्टैटिस्टिक्स कोरिलेशनल कहलाती है। It also describes a sample or population for their further analysis to explore the significance of their differences. इसके अलावा ये भी बताती है, आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि population entire जिस पर आप study कर रहे हैं वो है sample, उसमें आपने जो उसका representative एक नमूना चुना है वो sample है, तो उनके बीच का अंतर भी बताती है, अंतर की महत्ता बताती है। अब ये बाद में ना जब हम लोग पढ़ते हैं आगे, आपको पता ही होगा कि अंतर जो है वो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है या किसी एरर की वजह से आ रहा है, तो ये सारी बातें इसमें होंगी। और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या है, इट डील्स विद द ड्रॉइंग ऑफ कंक्लूजंस। हम इन्फरेंस निकाल के बता रहे हैं कि इसका कंक्लूजन क्या होगा, निष्कर्ष क्या होगा, अनुमान हमारा क्या है, और जितना सटीक हम स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे उतना सटीक हम अनुमान लगा पाएंगे। तो ये कह रहा है कि deals with the drawing of conclusions about large group of individuals या population based on observations of a few participants or about the events which are yet to occur based on past events। वो कह रहे हैं कि या तो आपने population का sample लेके उससे inference बता सकते हैं, या आप वो घटना जो पीछे हो चुकी है उसके आधार पर अनुमान लगा के बता सकते हैं कि क्या आगे होने की संभावना है। तो ये तो कार्य के आधार पर सांख्यिकी का वर्गीकरण हुआ, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल और इन्फरेंशियल। फिर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा के आधार पर। तो ये दो मेन तरीके हैं इसके, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। आप इसको पैरामेट्रिक और गैर पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक हिंदी में भी कह सकते हैं, या प्राचलिक और अप्राचलिक कहलाता है। और मेरा एक वीडियो बहुत पहले का है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में अंतर का, वहां से आप डिटेल आउट इसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो यहां सिर्फ आपको बेसिक डिफरेंस बताएंगे। करलिंगर की बुक और करलिंगर की डेफिनेशन हम लोग बहुत पढ़ते हैं रिसर्च में। तो करलिंगर ने कहा कि द टर्म पॉपुलेशन एंड यूनिवर्स मीन ऑल द मेंबर्स ऑफ एनी वेल डिफाइंड क्लास ऑफ पीपल, इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। यानी कि स्टैटिस्टिक्स की भाषा में पॉपुलेशन का मतलब होता है कि वो सभी लोग, घटनाएं या वस्तु जिनका कि हम अध्ययन करना चाहते हैं। और सैंपल क्या होता है, द सैंपल इज नोन एज ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन दैट रिप्रेजेंट्स दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशंस प्रॉपर्टीज। और जो उसका सैंपल होता है वो होता है प्रादर्श बोलते हैं इसको, है ना, प्रादर्श बोलते हैं, न्यादर्श बोलते हैं, सॉरी सॉरी, न्यादर्श, है ना। तो वैसे हम लोग इसको नमूना भी बोल सकते हैं, लेकिन नमूना या न्यादर्श क्या है कि वो जो पॉपुलेशन है हमारी, जो जनसंख्या है, जो हमारी समष्टि है, उसके सारे गुण अगर रखता है तो वो एक अच्छा न्यादर्श है। तो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में क्या अंतर है, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स रिफर टू दोज स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स दैट हैव बीन डेवलप्ड ऑन द अजम्पशन दैट द डेटा आर ऑफ ए सर्टेन टाइप। यानी कि जो प्राचलिक सांख्यिकी है आपकी वो इस मूलभूत मान्यता पर आधारित है कि जो आंकड़े हमने लिए हैं वो एक निश्चित प्रकार के हैं। कैसे निश्चित प्रकार के हैं, इन पर्टिकुलर द मेजर शुड बी ऑन एन इंटरवल स्केल एंड द स्कोर शुड बी ड्रॉन फ्रॉम ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए सारी बातें मैं आपसे कर चुकी हूँ पहले, मैं आपसे स्केल भी डिस्कस कर चुकी हूँ, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो स्केल होते हैं। मैं आपसे नॉर्मल एनपीसी भी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप वहां से पुराना देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में जो आंकड़े होने चाहिए वो एक इंटरवल स्केल वाले होने चाहिए, और जहां से हमने उनको उठाया है वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल होना चाहिए। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते किसको है, सिमेट्रिकल स्प्रेड ओवर द कंटिन्यूम ऑफ -3 स्टैंडर्ड डेविएशन टू +3 स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि ये इसका एक बेल शेप्ड कर्व बनता है ना। तो वो कह रहे हैं कि जो बीच का है, बीच का सेंट्रल पॉइंट है जहां मीन, मीडियन, मोड तीनों आते हैं, उससे 3 विचलन ऊपर और 3 विचलन नीचे तक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो आप यही लिखा हुआ है इसमें। तो वहां से अगर आपने आंकड़े लिए हैं और
तो आपका पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स लगेगा, और अगर नॉन पैरामेट्रिक क्या है, दो स्टैटिस्टिक्स विच आर नॉट बेस्ड ऑन द अजम्पशंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक्स भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है नहीं, यानी कि आंकड़े जहां से लिए आपने वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी सैंपल को, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता है, तो इसको आप कह सकते हैं थोड़ा सा कमतर है, मतलब उतना सटीक आपको अनुमान लगा के नहीं देगा नॉन पैरामेट्रिक। लेकिन पैरामेट्रिक में चूंकि सैम्पलिंग है, रिप्रेजेंटेशन है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, तो यहाँ पे आपका अनुमान सटीक लगता है, इसीलिए नीचे वाले को ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं, एंड दे आर नॉट बाउंड टू बी यूज्ड विद इंटरवल स्केल डेटा और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, और ये दोनों ही कंडीशन इसमें फॉलो नहीं होंगी, यानी कि डेटा इंटरवल स्केल का नहीं होगा तो भी चलेगा, नॉमिनल ऑर्डिनल भी हो जाएंगे, और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा तो भी चलेगा। तो आपको पहले ये जानना होगा कि स्केल में नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो क्या है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहते हैं, मीन मीडियन मोड एक ही जगह पे होते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर सिमेट्री कहते हैं, तो ये सारी बातें इसकी बैकग्राउंड में आपको पता होनी चाहिए, तब आप समझेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक का क्या मतलब है, डिस्क्रिप्टिव इन्फरेंशियल और कोरिलेशनल का क्या मतलब है। और स्टैटिस्टिक्स कुछ और नहीं है, सिर्फ आंकड़ों को प्रॉपर तरीके से रखने का, प्रेजेंट करने का, टेबुलेट करने का, कंपेयर करने का और एनालाइज करने का एक तरीका है, एक विज्ञान है, ठीक है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स, और अब धीरे धीरे हम लोग स्टैटिस्टिक्स में आगे बढ़ेंगे, ठीक। ओह ये कैसे हो गया, गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माय सेट।